हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे इस चैनल जट्टी एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ साउथ ईस्ट एशिया में बसने वाला एक देश ईरान के बारे में। दोस्तों, ईरान दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेट सिटी माना जाता है, जहाँ 27 आदमी की जान हर डे एयर पोल्यूशन की वजह से जाता है। एरिया के हिसाब से ईरान दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देशों में से एक है, जिसका टोटल एरिया 16,38,195 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, ईरान की टोटल पॉपुलेशन 81.16 मिलियन है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। इस देश की महिलाओं को मिडिल एज के सबसे सुंदर महिला माना जाता है, और कहा जाता है कि इन महिला जब ब्लैक ड्रेस पहनती है तो और अधिक खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ईरान से जुड़ी हर तमाम अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि मैं जितना भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल में डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, एक बार ईरान की संशोधनों ने ब्रिटिश राइटर सलमान रशीदी पर एक इनाम रखा था, जो भी उसे जान से मारेगा उसे $33,00,000 का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि सलमान रशीदी ने अपने एक किताब पर इस्लाम का नबी अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत लिख दिया था। दोस्तों, ईरान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल गैस उत्पादक और 4वां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, और पूरा दुनिया में जितना भी तेल मौजूद है इसकी 10% अकेला ईरान में पाया जाता है। ईरान की आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। 1935 से पहले ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था, और पर्शिया दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता था। ईरान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा हुआ है। यही नहीं, ईरान में अमेरिका और यूरोपियन मूवी और सीरियल्स पे भी बैन लगा हुआ है। लेकिन ईरान के लोगों को वेस्ट इंडीज का मूवी इतना ज्यादा पसंद है कि ईरान में अमेरिकाज मूवी का डीवीडी का स्मगलिंग किया जाता है। ईरान मिडिल ईस्ट में सीमित एक देश है, जिसका सीमा कुल 7 देशों से मिलता है, और ईरान की राजस्थान तेहरान शहर है। साल 1979 से पहले ईरान को ज्यादातर लोग काफी मॉडर्न माना जाता था, और वो अन्य देशों की तरह अपनी जिंदगी गुजर रहे। लेकिन साल 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद ईरान में सख्त इस्लामिक कानून लागू हो गया। ईरान में एक खास तरह का पुलिस होते हैं। इनका काम सिर्फ यही देखना होता है कि यहाँ इस्लामिक नियम और इस्लामिक के मुताबिक कपड़े पहन रहे हैं या नहीं। इस्लाम की संस्कृति के हिसाब से यहाँ लोग कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ घंटे के लिए शादी कर सकते हैं, जैसे ईरान में उसे सीगी नाम से जाना जाता है। ईरान में किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या कुछ गलत होता है तो लड़की के बदले लड़की की माँ को जिम्मेदार माना जाता है। ईरान के ज्यादातर लोगों को यही मानना है कि अगर लड़की की माँ ने अपने बेटी को संभाल कर रखा होता तो ऐसे नौबत नहीं आता। दोस्तों, ईरान की यही सोच के लिए ईरान को काफी ज्यादा अलग माना जाता है और देशों से। ईरान में दही को पर्सन मिल कहा जाता है, और कई सारे ईरान लोगों को यही मानना है कि दही एक जादुई भोजन होता है, जैसे खाने से उनकी उम्र बढ़ता है। ईरान की संस्कृति के हिसाब से ईरान में ज्यादातर लोग डाइनिंग टेबल की बजाय जमीन पर खाना खाना पसंद करते हैं। साल 2012 में ईरान में गूगल कंपनी पर एक आरोप लगाया गया था कि गूगल कंपनी ने ईरान की सरकार का जासूसी कर रहा है। इसके बाद ईरान में अपने सभी ऑफिशियल काम करने के लिए अलग से गूगल की तरह और एक इंटरनेट बना डाला। ईरान के कानून के हिसाब से कोई भी इंसान अपनी गोद ले हुए बेटी के साथ शादी कर सकता है। इसके लिए जरूरी यह है कि जिसके साथ वो शादी कर रहा है उसकी उम्र कम से कम 13 साल हो। एक बात काफी हैरान कर देने वाला है, बात यह है कि ईरान में शराब बैन होने के बावजूद भी हर साल आना 8 करोड़ लीटर की शराब का खपत होता है। ईरान के लोग हर काम में इतना ज्यादा माहिर होने के बावजूद भी सभी कामों में जानबूझ के गलती करते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना यह है कि ईश्वर के सिवा किसी भी काम परफेक्टली नहीं हो सकता। ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे तेज शहर का विकास अनुभव किया है। ईरान में इस्लाम प्रमुख धर्म है, और यहाँ का कुल आबादी 99% लोग मुसलमान है, जिसमें से 89% लोग सियाम मुस्लिम और 9% लोग सुन्नी मुस्लिम है, और बाकी बचे कोई धर्म या बहुत ही कम है। ईरान में अब 15 साल की बात आप वोट दे सकते हो। तो दोस्तों, यार आज का ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार इस वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों अपने दोस्त लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपने नहीं किया हो तो यार हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे देखो एक लोगो है सब्सक्राइब का, उसमें एक बार क्लिक करके ऑल ऑप्शन डिसेट कर दो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।